तो अभी हम देखते हैं कि इसमें बूटस्ट्रैप में किस तरह से कार्ड्स और रिस्पॉन्सिव बटन बना सकते हैं। तो यहाँ से हम आके पहले फाइल में जाके क्लोज फोल्डर कर लेते हैं, और जैसे ही क्लोज फोल्डर करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करके फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लेते हैं। ओपन फोल्डर करके यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे बूटस्ट्रैप स्टूडियो के फोल्डर पर चले जाएंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे फायरवॉल नॉइस के फोल्डर में, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। जैसे ही सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो ये हमारे सामने सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमने यहाँ से इसका न्यू करना है कंट्रोल एन, और फाइल को जाके सेव कर देना है। सेव करके हम यहाँ लिख रहे हैं रेस्पॉन्सिव बटन एंड कार्ड्स डॉट एच टी एम एल। तो उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाया, इंटर कर लिया, तो यहाँ पे हमने लिखा रेस्पॉन्सिव बटन एंड कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ से इस क्लास को कनेक्ट करेंगे बूटस्ट्रैप को इसके साथ। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक लगाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके बूटस्ट्रैप पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे, सीएसएस पे क्लिक करेंगे, बूटस्ट्रैप मिंट डॉट सीएसएस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके हमने स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, और इसके बाद एसआरसी पे क्लिक करेंगे। तो फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप यहाँ से क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूशंस पे क्लिक करके जेएस पे क्लिक करके बंडल डॉट मिन डॉट जेएस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा कनेक्ट हो गया बूटस्ट्रैप ऑफलाइन मोड में, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, पहले एक कंटेनर बना लेते हैं जिसमें कोई एक आइडिया फिक्स कर देते हैं अपना। जैसे हमने यहाँ पर कंटेनर बनाया, और उसको क्या कर रहे हैं उसके साथ यहाँ पर हमने उसमें लिख लिया, और यहाँ पर हमने उसका पेडिंग बता दी, उसका फ्लूट कंटेनर डैश फ्लूट की क्लास बता दी हमने उसके साथ, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। और फिर उस पर हमने MT2 यूज़ कर लिया, डिस्प्ले वन टेक्स्ट के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। BG डैश सक्सेस यूज़ कर लिया इसके ऊपर, टेक्स्ट डैश वाइट की क्लास को यूज़ कर लिया, टेक्स्ट डैश वाइट सेंटर की क्लास को यूज़ कर लिया, तो ये सारी क्लासेस को हमने इस पर प्रॉपरली यूज़ कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से सेव कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं कंटेनर के अंदर पैराग्राफ पे कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं कार्ड्स एंड बटन, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके हमने सेव कर लिया, और उसके बाद इसको यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे या यहाँ से इसको रिव्यू ने एक्सप्लोरर कर दिया। प्रीव्यू ने एक्सप्लोरर करने के बाद यहाँ से राइट स्प्राइट बटन दबाया, शेयर ओपन विद पे क्लिक किया, क्रोम पे क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है। अब आते हैं इसके नीचे सेगमेंट पे कार्ड बनाना है, तो वही देखें, याद रखें हमेशा ग्रिड सिस्टम आपको जहन में रहना चाहिए। तो पहले आप एक रो की क्लास बनाएंगे, यहाँ से क्लिक करके क्लास, और उसमें रो को डिफ़ाइन करेंगे। रो डिफ़ाइन करने के बाद आप इसमें फिर एक कंटेनर बनाएंगे डिव करके। अगर हम तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं, चार में करना चाह रहे हैं, चलें चार में करते हैं डिवाइस, तो 12 कॉलम को चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक के हिस्से में चार आएंगे। तो क्लास कॉल डैश MD डैश 3 की क्लास को हमने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ से इसको हमने सेव कर दिया। अब इसके अंदर कार्ड कैसे डिफाइन होगा, देखिए कार्ड का मेन कंटेनर बनेगा, फिर उसके अंदर इमेज लगेगा, फिर उसके अंदर उसकी कार्ड की बॉडी बनेगी तो उसका एक अलग कंटेनर बनेगा, फिर उसके अंदर अगर हेडिंग बनानी है तो H1 जो भी लगाना है, फिर उसके अंदर जो है हेडिंग के बाद जो भी, इसमें मैं लिख देता हूँ हेडिंग, तो उसके अंदर जो भी फिर पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है यहाँ पैराग्राफ बनेगा, और जो भी उसके अंदर टेक्स्ट आपने ऐड करने हैं वो यहाँ से आप इजीली टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कार्ड बनता है। अब कार्ड की जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो कौन कौन सी ऐड होंगी, सबसे पहले आप डिव के अंदर जाके क्लास जो कार्ड की यूज़ करेंगे वो कार्ड ही है, फिर कार्ड की क्लास के बाद जो इमेज इसके अंदर लगेगा उसके अंदर जो बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे वो IMD की जो थंबनेल या फ्लूइड में से दोनों में से जो भी क्लास यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे, फिर जो बॉडी बनेगी कार्ड की उसके अंदर क्लास जो है कार्ड डैश बॉडी की यूज़ करेंगे, और बाकी यहाँ पे जो क्लासेस H1 या 2 पे जो भी आप सर्विस H3 की हेडिंग लगाना चाह रहे हैं, पैराग्राफ के ऊपर किस तरह का टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं, अगर वो नॉर्मल टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं वरना वो डिस्प्ले 5 का टेक्स्ट है या H4 का टेक्स्ट है या H6 का टेक्स्ट भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। फिर इस पैराग्राफ के नीचे रहते हुए एक बटन की क्लास बना लें, बटन को दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली आप बटन की क्लास बना लें, ठीक है, पर ये सिंपल बटन बनेगा,
और दूसरा आप लिंक बना लें। लिंक बटन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई भी उस पर तो क्लास क्लास ही लगनी है। लिंक बना लिया, लिंक ये वाला नहीं, एंकर वाला लिंक, और उसमें क्लास लगाई बूटस्ट्रैप की। तो अभी बटन बनाने के लिए जो क्लास है वो BTN है, मेन क्लास, और बटन के साथ जो है कलर उसका डिफाइन करेंगे। तो हम प्राइमरी, बल्कि हमने कलर ग्रीन यूज़ किया है तो सक्सेस यूज़ कर लेते हैं, प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं, मतलब प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर डार्क जो भी बटन का आप लिखेंगे वो बैकग्राउंड कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए, जब अपने पेज पर आके रिफ़्रेश करेंगे इसको तो ये देखें एक क्रिएट हुआ हुआ है कंटेनर। तो बटन पर क्या लिखना है वो यहाँ बता दें, सपोज़ टू बी सी मोर लिखना है या सबमिट लिखना है या मोड लिखना है, तो सी मोर पे क्लिक करके हम, या क्लिक लिखना है, तो जैसे ये लिखेंगे तो ये देखें बटन के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से अब इमेज लगाना है इसके अंदर, तो इमेज लगाने के लिए आपने क्या करना है, इमेज SRC के अंदर सोर्स में आना है, इमेज आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने इमेज 2 ले लिया, यहाँ पे सेव करके एंड रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए कंटेनर के अंदर इतना अच्छा सा इमेज लग जाएगा। लेकिन ये टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये H6 पर हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसको अगर हम डिस्प्ले 5 पे करके देखते हैं, अगर कुछ उसमें बेहतरी आती है तो हम डिस्प्ले 5 को यूज़ कर लेते हैं। और डिस्प्ले 5 में नहीं हुआ, कन्वर्ट ही नहीं हुआ, सेव कर लेते हैं इसको और रिफ़्रेश करते हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ा हो गया डिस्प्ले 5 में भी। डिस्प्ले 6 करके देखते हैं, सेव करते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, तो उस पर भी बहुत बड़ा ही नज़र आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि हम इसको रहने ही देते हैं और इसको विदाउट क्लास ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ को विदाउट क्लास लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट दिखाई देगा। अब हेडिंग में क्या लिखना है, सपोज़ टू बी फूड्स लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये फूड्स के बारे में हमने इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया, तो ये फूड्स आ गया, यहाँ पे फोटो फोटो की लगी हुई है। तो ये देखिए इस तरह का एक जो है आपका कार्ड जो है क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ कार्ड, यानी कि इसमें इमेज भी आ रहा है, इसकी एक हेडिंग भी है और इसमें ये कुछ टेक्स्ट भी ऐड हुआ हुआ है और सी मोर। तो टेक्स्ट अगर ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से और टेक्स्ट को कम कर देते हैं। तो जैसे ही ये टेक्स्ट थोड़ा सा और कम हो जाएगा सेव करने पे, यहाँ रिफ़्रेश होगा तो ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। और अगर और कम करना है तो और कम कर लें, जैसे कि अगर यहाँ पे हम इसको कम कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश कर लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट कम करने के बाद आपने जैसे कि टेक्स्ट की क्लास यूज़ कर लें, टेक्स्ट डैश म्यूटेड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा। और अगर जैसे टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना है तो टेक्स्ट डैश सेंटर की क्लास भी यूज़ की जा सकती है, और फिर ये टेक्स्ट आपको सेंटर में नज़र आने लग जाएगा। तो ये जो क्लासेस हैं वो तो आप इस पे यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से एक बेहतरीन किस्म का कार्ड डिज़ाइन हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो कार्ड डिज़ाइन हुआ है, बटन बन गया है, अब यहाँ पर अगर हमें फर्दर दो बटन्स और चाहिए तो देखें ये कॉलम का पूरा कोड है, इस कॉलम के कोड का देखें एंड कहाँ पर है, तो एंड जो है इसका यहाँ पर हो रहा है, ये रो एंड हो रही है। तो यहाँ से इसी कोड को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से, और ये शिफ्ट के साथ हम ऊपर सेलेक्ट करते चलेगा, ये कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया रो से नीचे वाले समय। कंट्रोल सी कर दें और इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दें, पेस्ट कर दें। फिर यहाँ पर आके हमने इमेज जो है चेंज कर लेना है, जैसे इमेज 3 लगा दिया यहाँ पे हमने, और कार्ड बॉडी के अंदर देखें इमेज में क्या फ़ोटो आ रही है, तो ये थोड़ा सा आउट हो गया। चलें चेंज करते हैं, इसको अंडू करते हैं पहले हम यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या गलती हुई है हमसे। फिर एक दफ़ा और अंडू कर लेते हैं इसको यहाँ से, ताकि वो पहला वाला ही यहाँ पे नज़र आए जैसा कि वो पहले वाला नज़र आ रहा था। ये बाज़ अवकात हो जाती है इसके अंदर मिस्टेक, ऐसा मसला नहीं है, रिफ़्रेश कर लें तो ये ऐसा है। तो देखिए ये किस चीज़ का क्लोज़ वाला कंटेनर है, ये रो का है, तो उसके नीचे वाला डेफिनेटली ये कॉलम का है। तो लेकिन कॉलम वाला कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये एक कॉलम के बराबर में दूसरा कॉलम बनेगा। कॉपी किया और इस कॉलम को यहाँ पर रख के जगह ली, आप यहाँ पर पेस्ट करके देखें अब कैसा नज़र आता है। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो बिल्कुल इसके बराबर में आ गया, एंड देन फिर एक और पेस्ट कर दिया हमने, तो ये देखें उसके बराबर में आ गया, एंड देन फिर एक और पेस्ट कर दिया आपने, और ये देखेंगे कि ये भी इसके बराबर में आ गया। तो इस दिखा देखें कितने खूबसूरत से 4 कार्ड्स हमने इस पर लगा दिए और इमेजेस भी इस पर नज़र आ रहे हैं। अब इनमें मैं थोड़ा सा चेंज करता जाता हूँ इमेजेस को, तो फिर वो आपको समझ में आता रहेगा तो आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम इमेज 1 कर देते हैं JPG के साथ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को और यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, तो ये देखें कुछ इस तरह से इसके ऊपर नज़र आएगा। उसके बाद नीचे जाके इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके इमेज 3 पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करके सेव करके रिफ़्रेश कर देते हैं, तो ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इमेज 3 पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इमेज 4 के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से 4 का इमेज ले लेते हैं, सेव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये कार्ड्स देखें प्रॉपर्ली इमेजेस को आपको इस तरह से शो करते रहेंगे और उस पर दिखाई देते रहेंगे।
अब उसके बाद आपने करना ये है कि भाई मिसाल के तौर पे ये ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। देखो इसमें आपको ख्याल करना होगा कि जैसे ये लैंडस्केप फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटो के साइज़ एक होने चाहिए ताकि उसको एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। अब ये फ़ोटो के साइज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम फिर इस तरह क्रिएट होता है, ये फ़ोटो छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है, तो एक जैसे इमेज साइज़ होंगे तो ये अपने आप को एडजस्ट आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से हो सकती है। बहरहाल अब बटन्स के हवाले से देख लेते हैं कि ये बटन्स जो हैं किस तरह से एडजस्ट होंगे, कैसे होगा। अच्छा, इसको फिक्स करने का एक तरीका और भी है कि अगर हम कार्ड में हाइट को फिक्स कर दें तो सबकी हाइट एक हो जाएगी, फिर ये इशू नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो आपने इमेज लगाया है इसमें जाके अगर आप हर एक इमेज की हाइट को पहले से ही डिफ़ाइन कर दें, सपोज़ आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर मैं इमेज जो भी लगाऊँ और उसकी जो हाइट है वो 300 पिक्स पर होगी, 250 पिक्स काफ़ी रहती है, तो इससे ये एक मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम इसको 250 करेंगे तो ये इम्पैक्ट पड़ा, इस इमेज का साइज़ काफ़ी एक्सटेंड हो गया, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, हम इसको लेकर आते हैं 175 पिक्स पर। और जैसे इसको सेव किया, हमने यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेव एंड वंस अगेन रिफ़्रेश, तो ये कुछ बेहतर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब यही टैग हम उसको उठा के यहाँ से लेके यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब ये इमेज 4 पे लगाया तो इससे ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ पे अगला इमेज का मिलेगा, इस पर भी ये लगा देते हैं, और फिर ऊपर चलते हैं तो हमें ये मिलेगा, यहाँ पर भी लगा देते हैं, और फिर ऊपर चलेंगे तो ये मिलेगा, और इसको अब यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम हमने इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं CSS की हेल्प से। अब आते हैं बटन्स, जैसे हमने बनाए हैं ये एक ही किस्म का बटन है। अब यहाँ पर मैं एक और रो पे दूसरे किस्म के बटन बना देता हूँ, एक और रो पे तीसरे किस्म के बटन बना देता हूँ, तो इस तरह से आपका ये भी मामला हो जाएगा। अब ये पूरा ही कंटेनर जो हमारा रो का बन गया है, इसको पूरा यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ एंड तक लाएंगे इसको, और एंड तक लाने के बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, और इसके नीचे अगर आपको बार बार दिक्कत होती है, कोड समझ में नहीं आता, तो यहाँ कमेंट्स यूज़ कर लें और यहाँ पर लिख दें Row 2। ठीक है, इससे ये रहेगा कि हमारा Row 2 का डेटा है ये, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये इसके नीचे और एक और रो ऐड हो गई। ठीक है, अब ये दो रोज़ ऐड हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें इजी रहेगा, ये रो में आ गए, इस रो पे क्लिक करके अगर हमें MT4 यूज़ करना है तो MT4 लगा देते हैं, तो जैसे ही MT4 लगाएंगे तो मार्जिन टॉप इसके नीचे वाली रो में ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाली रो पर जाना है तो यहाँ से ऊपर चले जाएँ, यहाँ पर जाके भी आप यही काम कर सकते हैं, MT मार्जिन टॉप जो है वो आप इस पर इस तरह से लगा सकते हैं, और ये जैसे ही करेंगे रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऊपर से भी इसका मार्जिन अच्छा खासा निकल आएगा। तो ये देखें कुछ इस तरह का मामला आपके सामने आ जाएगा, और ये फ्लेक्सिबल भी है। तो उसके बाद अब किस किस बटन का हम सेकंड रो के जो बटन थे वो कहाँ से शुरू होगी, सेकंड रो देखिए हमें कमेंट्स दिख जाएगा, ये सेकंड रो शुरू हो गई। इसके अंदर आपने ये जो बटन बनाया था, यहाँ पर जो बटन का कोड लगाया था, मैंने BTN-success की क्लास यूज़ की थी, अब यहाँ पर एक और क्लास यूज़ कर लें, सॉरी ये सक्सेस लिखा रहने, यहाँ पर हम लिख लेते हैं BTN-outline-success। इस तरह करने से जो हमारा बटन है वो कुछ इस तरह का क्रिएट होगा, जिसमें हम एरो रखेंगे तो वो फिर अपना फिल करेगा, अदरवाइज़ वो अनफिल होता रहेगा इस तरह का। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमने इसी को कंटिन्यू करते हुए, मतलब यहाँ से इसको कॉपी किया और इसी को अगले बटन के अंदर जाके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया सपोज टू बी, और इसको यहाँ पे हमने इन्फो के नाम से एक बटन बना दिया, और फिर यहाँ पर हमने इन्फो के साथ डेंजर का भी एक कलर डाल दिया, तो फिर ये देखेंगे कि आप ये डिफरेंट किस्म के बटन्स आपको कैसे इस पर डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और बटन के साथ ये हमने एक और भी इस पर ऐड कर दिया, और इस पर हमने लिख दिया प्राइमरी। तो प्राइमरी लिखने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखिए कुछ इस तरह के 4 बटन बन जाएंगे, CMOD, 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 और इस तरह से ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस पर इससे फ़र्क क्या है, ये बटन ऐसे हाईलाइट नज़र आएंगे, इन पे भी जो कलर्स लगाएंगे, और जो ये बटन है ये इस तरह से आपको नज़र आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक और रो बना लेते हैं इसके ऊपर, कि यहाँ से हम जो हैं Row 2 जो हमने लिया था कोड में, हम वहाँ से Row 3 ले लेते हैं। तो Row 2 का डेटा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसको और नीचे ले आए, तो अब इसमें थोड़े से साइज़ बटन का बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा किस तरह होगा और छोटा किस तरह होगा। तो यूजुअली जो बटन अगर आप नॉर्मली बना रहे होते हैं तो वो इस तरह से बन रहा होता है, और थोड़ा बड़ा बटन बनाना हो जिसका साइज़ थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो तो वो बटन कैसे बनता है, वो Row 3 पे हम अप्लाई कर लेते हैं। इसी के साथ हमने जो क्लास ऐड की हुई है, चाहे वो आउटलाइन हो या डायरेक्ट वाली हो, उसमें एक और आप लिखेंगे BTN-LG। जैसे ही LG की क्लास लिखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि बटन तीसरी रो में आपका जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनेगा। ये देखें, इस बटन के नस्बत ये बड़ा है,
तो BTN LG की क्लास में ये बटन बड़ा बनेगा। और अगर आप इसी को यहाँ से लेके कॉपी करेंगे और इसी को हम सब पे लगा देते हैं नीचे वाले तमाम पर, तो रिफ़्रेश करने पे देखेंगे कि ये बटन्स आपके बड़े नज़र आएंगे। अच्छा, एक रह गया है सेकंड वाला, तो के लिए अब अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको इससे भी छोटा बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हम इसी कोड को दोबारा से ले लेते हैं नीचे रो 3 के बाद, यहीं से कॉपी करके यहाँ से ले लेते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, और इसको ऊपर जाके हम कन्वर्ट कर देते हैं रो 4 में, और यहाँ पे जाके इसको हम लिख लेते हैं BTN LG की जगह पे SM की क्लास यूज़ कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ भी LG हमने लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, SM लिख देंगे। तो देखिए किस तरह के बटन्स क्रिएट हो जाएंगे। और रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू ये बटन जो है हमारे पहले वाले जिसमें BTN क्लास यूज़ की थी उसका साइज़ ये था, फिर BTN के साथ हमने LG क्लास यूज़ की उसका साइज़ ये था, और BTN के साथ SM की क्लास यूज़ करी तो उसका साइज़ ये था। इसमें आउटलाइन को अगर आप हटाना चाहें तो सिर्फ ये आउटलाइन यहाँ से रिप्लेस होगा और ये बटन कुछ इस तरह का बन जाएगा, जैसे हम इसमें से हम आउटलाइन को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से, और ये सब रिस्पॉन्सिव भी है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कार्ड्स के कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं और बेहतर तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं।